नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे IMC हर्बल इंडिया के YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो पे हम सीखने वाले हैं कि आप जो है बैंक डॉक्यूमेंट या KYC करने के लिए कैसे टिकट जनरेट कर सकते हैं IMC की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो दोस्तों, मैं आपको जो है आज की इस वीडियो पे मैं आपको लैपटॉप के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप सेम जो प्रोसेस होती है वो IMC के एप्लीकेशन और IMC के वेबसाइट पर भी आप मोबाइल पर भी वैसे ही कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए IMC की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है। इसका जो लिंक है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है। जैसे क्लिक करेंगे आप ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे और यहाँ पे ऊपर जो URL दिख रहा है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो है नई जो IMC की वेबसाइट है वो नई आपको ओपन होगी और बहुत ही प्रोफेशनल वेबसाइट है। इसके बारे में मैं एक ट्यूटोरियल मैं आपको बना के दूंगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ऊपर साइड में लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देने के बाद आपको यूज़र ID पासवर्ड अपना डालना है, क्योंकि हमें डाउनलाइन का KYC जो है अपलोड करना है और उसका स्टेटस को चेक करना है। तो दोस्तों, आपको पता है कि कंपनी का नया रूल्स चेंज हो गया है, क्योंकि वही व्यक्ति KYC कर सकता है जिसने कुछ ना कुछ परचेस किया है। अगर 0 BV है तो उसका जो है KYC वेरिफिकेशन नहीं होगा। तो चलिए, मैंने जो है यूज़र ID पासवर्ड डाल दिया है। डालने के बाद देख सकते हैं राइट में डायरेक्ट सेलिंग पैनल ओपन हो गया, होम और डाउनलाइन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। डाउनलाइन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डाउनलाइन सपोर्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है और अपने डाउनलाइन का ID यहाँ पे डालना है। डाउनलाइन का ID डालने के बाद आपको व्यू कर देना है। व्यू करने के बाद आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि आपने क्या अपलोड किया है, क्या अपलोड नहीं किया है। अगर आप डाउनलाइन के करना चाहते हैं तो बैंक आपको फ़ोटोज़ नहीं लगेंगी, खाली आपको जो है अपना बैंक अकाउंट आपको और IFC कोड डालना है। तो देख सकते हैं मैंने जो है पैन कार्ड यहाँ पे अभी कुछ देर पहले ही मैंने डाल रखा है। तो अब यहाँ पे जैसे आपने नहीं डाला तो क्लिक करेंगे तो वहाँ पे पैन कार्ड नंबर आपको डालने के लिए आएगा, तो आप डाल सकते हो, लेकिन परचेस होना ज़रूरी है। KYC कर लें आपको जो है आपका फ़ोटो, आपका आधार कार्ड का फ्रंट साइड, आधार साइड का बैक साइड, आपको कोई भी ID प्रूफ या एड्रेस प्रूफ आपको जो है चाहिए। इस तरीके से मैं आपको यहाँ पर व्यू करके दिखा रहा हूँ। इसके अलावा तो हम जो है अगर बैंक जाना है तो हमें फिर से जो है डाउनलाइन सपोर्ट पे क्लिक करना पड़ेगा और फिर से हमें जो है ID डालने की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप किसी दूसरे व्यक्ति को भी शेयर कर सकते हैं और मुझे पता है कि 100% जो मैंने जिस ट्रिक से बनाया है तो 100% वो जो है KYC करना सीख सकता है, वो भी मोबाइल से भी कर सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर इस साइड से आपको दिखाई दे रहा होगा बैंक, तो बैंक का देख सकते हैं मैंने IFC कोड और जो बैंक अकाउंट है वो डाल दिया। और देखिए, इनका पेमेंट जो है पेंडिंग और यहाँ पे टिकट जनरेट कर देना है। तो टिकट जनरेट मैंने जो है टिकट जनरेट पर क्लिक करना और यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे KYC वेरिफिकेशन, यहाँ पे लिखना है बैंक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, या तो आपको लिखना है पैन कार्ड KYC वेरिफिकेशन कुछ भी, और टिकट को जनरेट कर देना है। तो मैंने जस्ट जो है तो पहले से अपलोड कर दिया, लेकिन ऊपर ऑलरेडी ये दिखाएगा कि पहले से आपने जो है टिकट जनरेट किया है। तो अभी जो है ये 24 घंटे के अंदर जो कंसल्टेड होते हैं वो देख लेंगे कि डॉक्यूमेंट में कोई गड़बड़ी तो नहीं है और वो जो है वेरीफाई हो जाएगा। और बहुत यहाँ पे टिकट जनरेट का ऑप्शन जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे माई टिकट और माई जो टिकट्स होती है और जनरेट टिकट, तो जनरेट टिकट में जब आप क्लिक करेंगे तो आप किसी भी प्रकार का वहाँ पे टिकट जनरेट कर सकते हैं। आप डाउनलाइन को अगर डॉक्टर से बात कराना चाहते हैं तो डॉक्टर से बात करा सकते हैं, बस उस व्यक्ति की ID यहाँ पर डालना होगा और उसका जो है पैनल वहाँ पे ओपन करना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, गुड IMC।